हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड साक्षी दंजवाल एंड आई एम स्टेइंग विद अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. और आज मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ. सबसे बेस्ट चीज़ सिक्किम में पता है क्या है कि सब कुछ ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक मतलब लोगों के अपने खुद के फार्म से और खुद यहाँ पर चीज़ें बनाते हैं लोग. सो आई एम गोना शेयर अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ सिक्किम टुडे विद यू पीपल विद दिस होम स्टे. किसका रोटी? अच्छा अच्छा. और ये वो वाली सब्जी है, अचार है. आज अभी दही है, अब हम दही खाएंगे. ठीक है. और अच्छा, ये दूसरा सब्जी है. आप लोग मॉर्निंग में सब्जी खाते हो? हमारे यहाँ मॉर्निंग में सब्जी लेंगे. चाय नहीं? चाय नहीं, चाय हम दोनों नहीं. हम दोनों कॉफी पीते हैं बट अभी नहीं. सो इनका जो होम स्टे है ना गाइस, वो वाला है बेसिकली. हम जो रुके हैं इनका खुद का वो है. तो आई शो यू दैट पार्ट ऑल्सो. और ये इनका पूरा फार्म है, अपना खुद का काम सारा. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट. अरे कोई नहीं, आप कर लो अपना. सो दिस इज द नाश्ता. ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं क्या खा रही हूँ. एंड यहाँ का ये लोकल जो बना हुआ मक्खन है ना, ट्रस्ट सो यम. होम स्टे में सबसे अच्छी पता ये चीज़ लगती है, घर का खाना है ना. एक मतलब डिफरेंट टाइप का ट्रेडिशनल फूड. मतलब ट्रेडिशनल फूड के लिए हमें कई बार घूमना पड़ता है मार्केट में, बट होम स्टे में पता है आप ट्रेडिशनल फूड मतलब ऑब्वियसली आप कल्चर के बीच में रह रहे हो. सो यू गोना लर्न एंड यू गोना ईट बोथ अबाउट ट्रेडिशन. सो गाइस, मैं हूँ तिस्ता टैंडम होम स्टे, जैसे कि आप लोगों को पता है. एंड दिस इज़ द मेन होम स्टे. मतलब लुक एट द वाइब्स ऑफ द प्लेस, पूरा ग्रीनरी है. मतलब सिक्किम में एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, लोगों को ना ऑर्गेनिक होना बहुत पसंद है और लोगों को ग्रीनरी रखना बहुत पसंद है. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इनका खुद का फार्म है. एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊँ, मैं वहाँ रुकी हूँ तो वो देखो, आपको फ्रूट्स दिख रहे होंगे. सो इनका खुद का फार्म है. तो यहाँ से यहाँ एंट्री है और ये सामने होम स्टे है. इस होम स्टे में कैपेसिटी बहुत सारे लोगों की है. अगर कोई ग्रुप में भी आना चाहता है ना, दैट इज एक्चुअली परफेक्ट टू कम. सो लेट मी जस्ट शो यू द फर्स्ट रूम. मतलब अगर आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दैट समवेयर इट इज रियली परफेक्ट फॉर यू विद ऑब्वियसली विंडो एंड यू नो फैसिलिटी ऑफ अलमीरा मिरर और वॉशरूम. एंड सेम विद अदर रूम. बट पता है सबसे खासियत क्या है, ये हेरिटेज है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ये वुडन लगी हुई है, तो ये राकेश एक्सप्लेन करेगा ये वुडन किस चीज़ के. राकेश बताओ, चलो वुड किस चीज़ के. चाप की लकड़ी और जो हार्ड मटेरियल लगता है ना. अच्छा, बहुत पुराने और एक और चाप के अलावा वो गेट किस चीज से बना है? गेट किस लकड़ी से बना है? गेट वो साल की लकड़ी से बना हुआ है. ये आपको मतलब बहुत ही रेयरली मिलेंगे आज के टाइम में. ओके, सो सामने गाइस लीची का है, ये अनार का, ये ऊपर कौन सा है? ये एकदम खट्टा वाला जो वो अचार में डालते हैं ना. अच्छा, खट्टा वाला अचार में डालते हैं. इसको नेपाली में बोलता है कि बाकी मिलो. बाकी मिलो, हाँ बाकी मिलो, बाकी मिलो भी बोलता है. जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि सारा का सारा इनका खुद का है. मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है प्रॉपर. तो इनके पूरा अपना गार्डन है जिसमें मतलब पूरा यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, खुद ही करते हैं ये पूरा मैनेज इस चीज़ को. सो आप खुद मैनेज करते हो ना जी? हाँ, बेसिकली आपको होम स्टे का पैकेज पड़ेगा 1000 प्लस मील ऑल टाइम का. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 1200 प्लस मील ऑल टाइम का. और जगह तो आप देख ही चुके हैं कि कितनी खूबसूरत है. प्लस ये ऑफ बीट प्लेस है क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता है, यहाँ से 4 किलोमीटर बाद कोई रास्ता नहीं निकलता. ये आपके साउथ सिक्किम की तरफ पड़ती है जगह. एंड इवन पार्किंग फैसिलिटीज आर देयर. ऑफ मील तो आप देख ही चुके हो आप मेरे ब्लॉग में.
सो गाइस क्लाइमेट चेंज मतलब मैं सर्दी में थी परसों मतलब कल ही नथुला देन मतलब गैंगटॉक में भी ठंडा माहौल था बट यहाँ थोड़ा ह्यूमिड तो तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल भी क्योंकि एकदम से चेंज हुआ क्योंकि ये प्लेस गैंगटॉक से 1 घंटा 15 मिनट दूर है और अब बारिश स्टार्ट हो गई है इस प्लेस में। लकड़ी का क्या यूज होता है ऐसे तो अभी तो जलाने वाला मौसम ही नहीं है पर इसके ऊपर तो श्रब्स आने स्टार्ट हो गए इसका मतलब ये बहुत पुरानी कटी हुई रखी है। सो गाइस अगर होम स्टे से नीचे की तरफ आओ ना तो यार ये विलेज बहुत ही सुंदर है यार मतलब मैं आज इतना तबीयत में ठीक नहीं हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है कल सर्दी लगने की वजह से बट मैंने गर्म पानी में यू नो वो ले लिया था क्या कहते हैं हनी और मुझे लग रहा है कि मुझे लौंग को ना पीस के बनाना ही पड़ेगा मम्मी ने एक तरीका बताया है। सो यू नो यहाँ आने के बाद बहुत ही पीसफुल प्लेस है यार ये बहुत हटकर जगह है यहाँ से यहाँ पे जो आबादी है मतलब अराउंड मुझे लगता है मतलब अच्छी आबादी है कम लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली 5-7 हज़ार और यहाँ पे अराउंड 400 के करीब होम स्टे है और ऊपर से आपका यहाँ पे मतलब इस जगह पे ना सबसे प्यारी चीज़ की प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक चल रहे हैं गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है इस एरिया को। ये रोड अभी ज़्यादा नहीं जाती जहाँ से हम रोड से निकल रहे हैं सिर्फ 4 किलोमीटर और जाती है जहाँ से मैं होम स्टे पर रुकी हूँ। मैं नीचे एक रेस्टोरेंट पर जा रही हूँ तो वो रेस्टोरेंट ट्री हाउस टाइप में बना है तो इवनिंग का टाइम हो गया काफ़ी लेट हो चुका है और क्योंकि आज हिम्मत नहीं थी देखते हैं कैसे कवरेज आती है और होपफुली आपको कल का ब्लॉग पसंद आया और आपको कुछ पूछना हो बिल्कुल पूछ सकते हो मुझे कमेंट्स का रिप्लाई करने का टाइम तबीयत की वजह से नहीं मिल रहा था बट मैं आज कमेंट्स पर बैठूंगी and I'll share the best comment with you people. Finally reaching to this tree house place and it's look mesmerizing. एक मिनट मतलब यहाँ पे देखो ये टायर वाला सीन देख रहे हो मतलब मेरे को लग रहा है जो टायर मुझे उतरवाए थे वो पापा ने ऊपर ही रखे हैं मुझे भी कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा लेट्स जस्ट रोल इन साइड। यहाँ पर मुझे सामने दीदी दिख रही है तो यहाँ का स्पेशलिस्टी कुछ बैम्बूज का ना एक ड्रिंक है एंड सेकेंड स्पेशलिस्टी यहाँ के मोमोज है चलो लेट्स जस्ट ट्राई इट। है ये जूट का है जी ये किस चीज का बना हुआ है आपका ये जो नारियल का जूट रहता है ना है ना जूट का है ना ये इसका पता चल रहा है गाइस चेक करो मतलब इससे पैर अच्छे से साफ हो जाते हैं मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अच्छा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके ओरिजिनल हाँ हम लोग ऐसे यूट्यूब में देख के रस्सियां बनाने का यही तो काम आता है। अच्छा आपने खुद यूट्यूब पे देख के बनाया है चलो सही है। हेलो हाय हाँ यार वही देख रही हो इट्स अमेजिंग वेल चेक करो यार व्यू चेक करो गाइस ये वर्थ है यहाँ ना बिल्डिंग दिखाई दे रहा है सामने ये बरदांग है ओके आप लोग कहाँ से हम दिल्ली से हम 27 तारीख को आ रहे हैं गंगटोक। अच्छा खुद अच्छा ये है वैसे ये है क्या ये बैम्बू का ना सारा तो ये बैम्बू ड्रिंक है नहीं नहीं फिर ये क्या है इसको बोलता है बैम्बू ड्रिंक इसी को बोलता है बैम्बू ड्रिंक वो बैम्बू में नहीं मिलती बैम्बू ड्रिंक लेकिन ये बैम्बू का होता है अच्छा हमारे पास बैम्बू नहीं ये अच्छा अच्छा मिलेट का जो आपका इंग्रेडिएंट्स है ना मिलेट रहता है अच्छा तो फर्मेंटेशन करके ऐसे ड्रिंक बना लेता है ओके इसका जो बाहर का कवर रहता है हाँ वो बैम्बो का रहता था अच्छा लेकिन यहाँ क्या है ये लोग मेटल में करता है यहाँ मेटल में करता है कोई नहीं एल्युमिनियम मेटल है अच्छा एल्युमिनियम मेटल है तो पीते कैसे हैं इसको आपको स्ट्रॉ थोड़ा देर भिगने दीजिए अच्छा हाँ 10 मिनट बाद आप स्ट्रॉ से खींच सकते हैं अच्छा ओके डन गर्म पानी डाल के रख दिया डन विल ट्राई राकेश तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट होने वाले आज। सो यू नो गाइस मुझे वाइब्स नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे इंडिया में कुछ ट्राई कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी देर से किसी और कंट्री में बैठी हुई और कुछ और ही खा रही हूँ बैम्बू का ड्रिंक और ये सारे बैम्बू हैं ओरिजिनल बैम्बू हैं इसके अंदर
और मतलब ये दारू की तरह टेस्ट करती है। नहीं, वो इसका जो केमिकल डालते हैं ना वैसे वाला है ना। तो कौन सा केमिकल डालता है इसमें? ये हम लोग का ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, सारा ऑर्गेनिक डालता है। अच्छा, थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा सा। साक्षी, दारू कैसी लग रही? दारू नहीं है ये, दारू गलत नाम दे दिया गया मेरे हिसाब से। पूरा ऑर्गेनिक ही है इसके अंदर। मतलब ये, मतलब यहाँ पे सारे जो जितने बैम्बू के रिलेटेड और उसके आसपास के क्या क्या यूज होता है इसके अंदर, बैम्बू के अलावा इसमें? आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू ट्राई दिस ड्रिंक इफ यू कम हियर।